हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मार्च का महीना चल रहा है और मैं अभी आया हूं वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही रूरल एरिया में मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड सुमंतो के साथ द बंगाल फॉक्स के तलाश में। और मैं इस वीडियो में इस टोटल जर्नी में मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पिछले कुछ इयर्स में ड्यू टू द ह्यूज हैबिटेट लॉस पूरे इंडिया में बंगाल फॉक्स के जो आबादी है वो बहुत ही जल्दी से घट रहा है और वेस्ट बंगाल में भी बंगाल फॉक्स का जो पॉपुलेशन है वो कम होते होते अभी आपको बस कुछ गिने चुने डिस्ट्रिक्ट पे ही बंगाल फॉक्स देखने को मिल सकता है और वो भी बहुत ही कम नंबर्स में। और मैं अभी आया हूँ वेस्ट बंगाल का उन डिस्ट्रिक्ट में से एक जगह पे जो कि मेरा होम टाउन से अप्रॉक्स 220 किलोमीटर दूर है। स्प्रिंग का सीजन चल रहा है और अभी साल के पेड़ का जो जंगल है उसका ब्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस टाइम पेड़ में से जो पुराने पत्ते हैं वो गिर के नया पत्ता आना शुरू हो जाता है और इसलिए अभी यहाँ पे साल का जो जंगल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को लगता है। यहाँ पर ज़्यादातर लैंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट एग्रीकल्चरल फील्ड्स ड्राई ओपन एरियाज और कुछ ड्राई ग्रासलैंड से कवर्ड है और बंगाल फॉक्स एक नॉक्टर्नल एनिमल्स होने के कारण इतने बड़े एरिया में दिन में बंगाल फॉक्स को देख पाना बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि ड्यूरिंग द डे टाइम बंगाल फॉक्स ज़्यादातर अपने डेन के अंदर रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और दिन के टाइम में बहुत ही कम बाहर आते हैं। बंगाल फॉक्स जनरली ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास या एग्रीकल्चर फील्ड के आसपास रहना या अपना डेन बनाना ही ज़्यादा पसंद करते क्योंकि यहाँ पे उसको खाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोडेंट्स वेरियस काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड बर्ड्स और उसके अंडे या बच्चे और रेप्टाइल्स उसको बहुत ही आसानी से मिल जाता है और एक ओमनिवोरस स्पीसीज होने के कारण फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी बंगाल फॉक्स के प्राइमरी फूड के अंदर पड़ता है और ये ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाता है। सियाल अखन बेरो है ना ना तो संध्या सारा दीदी आई हां संध्या सारा बेरा बक मैं के बोललो আমার বন্ধু বললো तो ऐसे ही कुछ पोटेंशियल जगह पे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे और फर्स्ट दो तीन दिन हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने के टाइम हमें कुछ कॉमन अनकॉमन लोकल ग्रासलैंड बर्ड्स रेप्टाइल्स और यहाँ पे कुछ स्नेक सेल देखने को मिला जो कि मुझे लगता है ये रैट स्नेक का है। ये है ऐसी क्राउन्ड स्पैरोलार्क और ये वेस्ट बंगाल में पाए जाने वाले थोड़ा सा लेस कॉमन लार्क स्पीसीज है अनलाइक बंगाल बुश लार्क। अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और ये जो लार्क स्पीसीज है वो जनरली ग्राउंड में ही अपना नेस्ट और अपने अंडे देते हैं और रात के टाइम में ये बहुत ही इजी प्रे हो जाता है बंगाल फॉक्स का।
तो एक दिन मुझे एक जगह पे कुछ पाग मार्क्स देखने को मिला और यहाँ पे ट्रैक्टर के टायर का निशान को देख के आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमंस का आना जाना लगे रहते हैं। तो इस पाग मार्क्स को फॉलो करके और कुछ लोकल फार्मर्स और लोकल लोगों का हेल्प लेके हमने चार पांच अलग अलग जगह पे बेंगल फॉक्स के चार पांच अलग अलग कॉलोनी या डेंस को डिस्कवर किए थे। तो अभी आलू के खेती का टाइम है और यहाँ पे सारे फार्मर्स अपने अपने फील्ड से पोटैटो को कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक पोटैटो फील्ड के बिल्कुल पास में एक बेंगल फॉक्स फैमिली अपना डेन बनाया है और चार बच्चे के साथ यहाँ पे रहता है। जनरली बेंगल फॉक्स का जो डेन है उसका बहुत सारे ओपनिंग्स होता है और ये कभी कभी फार्मर्स के ग्राउंड के अंडर बहुत दूर तक एक्सपेंड होता है। और जब एक फार्मर अपने खेत में पानी देते हैं तो वो पानी मिट्टी के अंदर से बेंगल फॉक्स के डेन के अंदर चला जाता है और इसलिए एक्चुअल जो प्लांट है उसको ज़्यादा पानी नहीं मिलता है और इसलिए जो ओवरऑल आलू के प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाता है। और इसलिए यहाँ पे फार्मर्स अगर अपने खेत के आसपास बेंगल फॉक्स के कॉलोनी या डेंस को देखते हैं तो वो उस टाइम ही उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और कभी कभी जो बेंगल फॉक्स है वो पोटैटो फील्ड्स या कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स के बीच में से ही अपना ओपनिंग्स बना लेते हैं और इसमें फार्मर्स के बहुत ही नुकसान होता है। तो और इसी कारण के वजह से भी फार्मर्स ज़्यादातर बेंगल फॉक्स को मार देते हैं। यहाँ का कुछ फार्मर्स से बात करके मुझे पता चला कि यहाँ पे एक दो साल पहले भी बेंगल फॉक्स का एक बहुत ही बड़ा कॉलोनी हुआ करता था और बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में बेंगल फॉक्स पहले देखने को मिलता था, पर पिछले एक दो सालों में ड्यू टू पोचिंग और ह्यूज हैबिटेट लॉस अभी बेंगल फॉक्स का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है और अभी आपको यहाँ पे एक दो डेन या एक दो इंडिविजुअल्स ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चरल फील्ड के आसपास जो सारे वेस्टेड लैंड या जो सारे अनयूज्ड लैंड है उसको भी काट के एग्रीकल्चरल फील्ड का एक्सपेंशन हो रहा है और जैसे मैंने कहा कि बेंगल फॉक्स एग्रीकल्चरल फील्ड के आसपास इन्हीं सारे वेस्टेड लैंड या अनयूज्ड लैंड पे अपना डेन बनाते हैं और इसके लिए बेंगल फॉक्स का बहुत ही ज़्यादा हैबिटेट लॉस हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे इस अनयूज्ड लैंड पे ऑलरेडी खुदाई का काम चल रहा है जिसके दूसरे तरफ बेंगल फॉक्स के एक कॉलोनी है और यहाँ पे कुछ दिन के बाद ये कॉलोनी भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और यहाँ पे दुख की बात यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से या गवर्नमेंट के तरफ से यहाँ पे कोई भी अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं होता है या इन सारे पोचिंग के अगेंस्ट कोई भी स्टेप्स नहीं लिया जाता। और इन सारे रीजंस के लिए पर्टिकुलरली इस रीजन में जो सारे बेंगल फॉक्स रहता है वो ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा डरता है और अगर ये ह्यूमन्स का थोड़ा सा भी प्रेजेंस महसूस करता है तो ये अपना डेन के अंदर ही घुस जाता है।
और यहाँ पे जो बर्ब्स है वो और भी ज्यादा शाई होता है और एक बर्ड के प्रेजेंस भी उन्हें डरा देते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ एबंडन डेन भी देखने को मिला और यहाँ पे एक डेन में कैमरा हाइट को लगा के इंडियन ग्रे मंगूस का एक कॉलोनी भी देखने को मिला। हमें यहाँ पे 4-5 दिन फील्ड स्टडी करने के बाद ये पता चला कि यहाँ का जो बंगाल फॉक्स है वो दिन में ऑलमोस्ट 2 या 3 बार ही मैक्सिमम निकलते हैं और हमें दिन में बंगाल फॉक्स का फोटो या वीडियो कैप्चर करने के लिए उस टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा और इसलिए हम बंगाल फॉक्स के डेन के या उसके कॉलोनी से थोड़ा सा दूर एक झाड़ियों में छुप के रहते थे ताकि जब वो निकले तो वो हमारा प्रेजेंस महसूस ना कर सके। यहाँ पे डोमेस्टिक डॉग्स भी बंगाल फॉक्स के पॉपुलेशन कम होने के पीछे एक बड़ा कारण है। पर सबसे बड़ा जो कारण है वो है ह्यूमंस। मेरे हिसाब से ये जो इंडियन फॉक्स या ये जो बंगाल फॉक्स है ये हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले मोस्ट नेग्लेक्टेड स्पीसीज है जिसके कंजर्वेशन के लिए या रिसर्च के लिए अभी भी ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ है। और मैं यहाँ पे मेरे तरफ से यहाँ का जो लोकल फार्मर्स या विलेजर्स है उन लोगों को इस ब्यूटिफुल एनिमल्स का हमारे एनवायरमेंट के लिए इसका जो रोल है या जो इसका इम्पोर्टेंस है उसको समझाने की कोशिश किया हूँ। पर मैं यहाँ पे अकेला कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बस एक जगह है। ऐसा बहुत सारे इंडिया में जगह है जहाँ पे बंगाल फॉक्स का जो कॉलोनी है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है और रेगुलर पोचिंग हंटिंग हो रहा है। तो जब तक गवर्नमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई भी स्टेप नहीं लेगा कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा और ऐसा ही अगर चलता रहेगा तो हम आने वाले कुछ सालों में इस ब्यूटीफुल एनिमल को भी खो देंगे। और फाइनली थैंक्स टू माय फ्रेंड सुमंतो मुझे ये वीडियो बनाने में हेल्प करने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।